नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करछु चिन्मय प्रथमे हेडलाइंस। भारत चीन सीमारे उत्तेजना, सिक्किम्र नकुलारे उत्तेजना सृष्टि, भारत अनुप्रवेश करितला चीन सेना, चार जन भारतीय जवान को सह 20 जन चीन सैनिक आहत होइतबा सूचना। आज सरुछि सात दिनिया पिला खोजा अभियान, केते निखोज शिशु को मिलला पत्ता, हिसाब देव कि ओडिशा पुलिस, 6 मास परे भी मिलुनी बिहुर पत्ता, गरीब बोली हतादर करा जाउथिबा अभियोग। राजधानी रे दिव्यांग को जन निर्यातना मामला, पलासपल्ली प्रशिक्षण केन्द्र में पहुंचले भिन्नक्षम कमिश्नर, मामला संबंध में कर्मचारी आलोचना, गणमाध्यम सामने खोलिले मुह। फेब्रुआरी 10 सुधा स्वास्थ्यकर्मी को दिजिव प्रथम डोज टीका, 350,000 स्वास्थ्यकर्मी को टीका देवा लक्ष्य, फेब्रुआरी 14 में द्वितीय डोज टीका प्रस्तुत होउछि डाटाबेस। गाँ दांडे बुलला खंडा बंधुक देखा कले भयभीत, बालेश्वर जिला सदर थाना केशवपुर गांव में अभावन घटना, विद्युत संजोग को नहीं घटला तुम्लकांड। आसंता साधारणतंत्र दिवस, राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था जांच कले डीसीपी, सका 6 दिन 3टा जाए बंद रहा गांधी मार्ग रास्ता, दर्शकों परिस्थल मना, कोविड नियम अनुसार हो उत्सव। छिंडुनी मंडी अव्यवस्था, कलाहांडी जिला पंडीगा मंडी में पड़ रही क्विंटाल क्विंटाल धान, प्रतिपाद में धान बस्ता रखी कलमपुर मुखीगुड़ा रास्ता अवरोध कले चाषी, तुरंत समाधान पर दावी। महाकाश दुनिया में स्पेस एक्स नुआ रेकर्ड, गोटे रकेट्रु 143 सैटेलाइट लंच, 2017 में 104 सैटेलाइट लंच कर भारत, कंपानी को छुटुची प्रशंसार स्वर। शेषे आज जातीय मतदाता दिवस, निर्वाचन आयोग नुआ पदक्षेप, एणिकी ऑनलाइन रे मिलिबो वोटर कार्ड, ई एपिक व्यवस्था आरंभ करिबो आयोग, शुभारंभ करिबे केंद्र आईन मंत्री रविशंकर प्रसाद। विरासत और संस्कृति को पुनर्जीवित एवं पुनः प्रचलित करना है। मास्टर तनुज समद्दार, उम्र 16 वर्ष, श्रेणी कला एवं संस्कृति। My aim in life is to become a designer. I want to pursue my higher studies in the National Institute of Design. So through my painting, I've tried to create awareness regarding environmental issues and social and communal harmonies. Kumari Vanish Kisham, umr 15 varsh, shreni kala ebam sanskriti. International level akam kala sangha amasung art afina amasung national level da Saksham 2018 the first Tazara Kri Amasung Bal Sri Award 2003 Amasung Nifana Sinba Pendikam Tilisu first Tazara. Master Vyom Ahuja, Umr 10 Varsh, Shreni Kala Evam Sanskriti. तो lockdown के time पे मैंने गीता के पूरा दो बार पढ़ा है और शिव तांडव स्तोत्रम को मैंने उसमें 18 पैराग्राफ्स होते थे जिनमें से मैंने 14 तक कर लिया। हिम्मत, साहस और बहादुरी का परिचय देने वाले पराक्रमी बच्चों को वीरता की श्रेणी में पुरस्कृत किया जाता है। ज्योति कुमारी, उम्र 16 वर्ष, श्रेणी वीरता। मैंने लॉकडाउन के दौरान हरियाणा के सिकंदरपुर से बिहार के दरभंगा तक का 1200 किलोमीटर का सफर तय किया। मास्टर कामेश्वर जगन्नाथ वाघमारे, उम्र 14 वर्ष, श्रेणी वीरता। मैंने मनार नदी में दो लड़कों को डूबने से बचाया। वे वहां तैराकी के लिए गए थे लेकिन पानी की गहराई का अनुमान नहीं लगा सके। कुंवर दिव्यांश सिंह, उम्र 15 वर्ष, श्रेणी वीरता। मुझे ये अवार्ड ब्रेवरी के लिए मिला है। मैंने अपनी बहन को एक गुस्सैल सांड के अटैक से बताया था। बच्चों के कल्पनाशील मस्तिष्क और उर्वर विचारों से उपजी नवीन परिकल्पनाएं नवाचार बनकर प्रस्तुत होती हैं। ऐसे नए वैज्ञानिक नवाचार की श्रेणी में सम्मानित किए जाते हैं। मास्टर अर्चित राहुल पाटिल, उम्र 14 वर्ष, श्रेणी नवाचार। मेरे किए गए खोज यानी पोस्टमार्टम कप में एक साधारण उपकरण का उपयोग करके प्रसव के बाद खून की हानि का सटीक और वास्तविक समय मापा जा सकता है। मास्टर आयुष रंजन, उम्र 15 वर्ष, श्रेणी नवाचार। मैंने डीजी स्मार्ट बिन
यानी एक कचरा बिलिंग प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जो कूड़ा फेंकने के अनुसार बिल देता है। मास्टर चिराग भंसाली, उम्र 16 वर्ष, श्रेणी नवाचार। अभी मैं एक ऐप पर काम कर रहा हूँ जिससे हम एक फोटो से आंखों में अगर कोई भी डिजीज है तो उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो इससे इंसान टाइमली हॉस्पिटल जा सकता है, अपना इलाज करवा सकता है। मास्टर हरमनजोत सिंह, उम्र 13 वर्ष, श्रेणी नवाचार। मेरे शैक्षणिक क्षेत्र में सबसे बड़ी उपलब्धियां ओलंपियाड्स में रही है। मैंने और भी कई कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया जिसमें एक सबसे मेन कॉम्पिटिशन था सिलिकॉन वैली कोडिंग चैलेंज, जहां मैंने एक रक्षा वुमेन सेफ्टी ऐप बनाया वुमेन की सेफ्टी के लिए। मास्टर हिमेश चदलवाड़ा, उम्र 13 वर्ष, श्रेणी नवाचार। మా అమ్మమ్మకి ఆల్జైమర్స్ అనే ఒక డిసీజ్ వచ్చింది. అంటే ఆమె అర్ధరాత్రి పొద్దు పొద్దున లేచి, అంటే మా అమ్మమ్మని చూసుకుంటున్న ఇంట్లో ఉన్న ఆమె కూడా తెలియలేదు. సో బేసిక్ గా నా ఒక రిస్ట్ బ్యాండ్ లాగా, ఇంకా మొబైల్ యాప్ అనేది అదే కేర్ గివర్ అయినా లేకపోతే ఎవరు టేక్ కేర్ ఇస్తున్నారో వాళ్ళ దగ్గర ఉంటుంది. కుమారి నామ్యా జోషి, ఉమ్ర 13 వర్ష, శ్రేణి నవాచార్. जैसे एक सिंपल मशीन सिर्फ एक काम कर सकती है, पर अगर हम उन सिंपल मशीन्स को कंबाइन करके एक बड़ी मशीन बना सकते हैं, वो माइनक्राफ्ट में बना रही होगी उसका मॉडल, तो उससे लोगों को बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं, जैसे सबल बर्निंग की बहुत प्रॉब्लम होती है पंजाब एरियाज में, तो उससे हम मैन्योर बना सकते हैं, उसको दोबारा यूज कर सकते हैं। मास्टर राकेश कृष्ण, उम्र 15 वर्ष, श्रेणी नवाचार। Since the age of 6, I've been in the field of innovation. I have done many other prototypes related to farming machines. So the first prototype was named as Xenographer. So the specialty of Xenographer is that it's much much better than the present existing farming system. Master Shrinab Mojesh Agrawal, उम्र 16 वर्ष, श्रेणी नवाचार। जो कंबर मोड़ी का झाड़ है, जो वीड है, इसके जो प्लांट का अगर हम रस निकालेंगे एक सिंपल से कोई भी कटोरे में और उसको पानी से डाइल्यूट करके, इसको जब हम भिंडी के झाड़ पे स्प्रे करते हैं तो उसकी उसमें येलो मोज़ेक वायरस के खिलाफ एक इम्यूनिटी तैयार हो जाती है और यील्ड उल्टा बढ़ती है कम होने की जगह। मास्टर वीर कश्यप, उम्र 10 वर्ष, श्रेणी नवाचार। ನನ್ನ ಬೋರ್ಡ್ ಗೇಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಫುಲ್ ವೈರಲ್ ಆಯಿತು, ತುಂಬ ಲೈಕ್ಸು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆದರು. ಸೊ ನಾವು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು, ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಗೇಮ್ನ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋಣ. ವಿದ್ಯಾಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಅದಮ್ಯ ಜಿಜ್ಞಾಸ और ज्ञान के निरंतर विस्तार की सफल चेष्टा के लिए बच्चों को ज्ञानार्जन की श्रेणी में सम्मानित किया जाता है। मास्टर आनंद, उम्र 16 वर्ष, श्रेणी ज्ञानार्जन। When I was in class 7th, my maths teacher gave me a problem to work over. That problem is called Goldbach conjecture and it's an open problem in mathematics. So I worked over this problem for about 2 weeks and I reached upon a statement which was again an open problem. That day I realized that I have some special interest in mathematics, especially in number theory. मास्टर अनुज जैन, उम्र 17 वर्ष, श्रेणी ज्ञानार्जन। मैंने ओलंपियाड्स में पार्टिसिपेट करना शुरू किया और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स जैसे ANCQ और IYMC कॉन्टेस्ट में मैंने पार्टिसिपेट करते हुए अपने स्कूल को रिप्रेजेंट किया। वहाँ अवार्ड्स जीत के मुझे मोटिवेशन मिला कि मैं इंटरनेशनली अपने स्कूल और कंट्री को रिप्रेजेंट करूँ। मास्टर अन्वेश शुभम प्रधान, उम्र 14 वर्ष, श्रेणी ज्ञानार्जन। मुझे कक्षा 1 के बाद से ही गणित और विज्ञान के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तर के संगठनों के द्वारा 200 से अधिक प्रमाण पत्र, पुरस्कार और छात्रवृत्ति मिले हैं। मास्टर मोहम्मद शादाब, उम्र 17 वर्ष, श्रेणी ज्ञानार्जन। लास्ट ईयर मुझे अमेरिकी गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप दी जिसके तहत मैं अमेरिका गया, अपने देश की
कल्चर और वैल्यूज़ को बढ़ावा देने के लिए मैंने 50 से ज़्यादा प्रेजेंटेशंस दी, और जिसके तहत अमेरिकी गवर्नमेंट ने खुश होकर मुझे इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफ द मंथ के खिताब से नवाजा। मास्टर सोनित सिसोलेकर, उम्र 13 वर्ष, श्रेणी ज्ञानार्जन। एक रिसर्च है मार्स के सॉइल के रिलेटेड, और दूसरा है पूना में जो लावा ट्यूब्स। आपण देखुले केन्द्र सरकार तरफ साधारणतंत्र दिवस उपलक्षे भारत कोण अनुकोणे विभिन्न प्रतिभागुडी आज बाल पुरस्कार पुरस्कृत कर वर्तमान नजर पकेबा बीजेपी सांबादिक सम्मेलन उपरे। मोर विनम्र निवेदन, आज ओडिशार चाषी पचार धान किणुचे किए, सरकार किणुचंती मिलर किणुचंती, कहीं मंडी तो सरकार देखा सक्षत ना लाभखर मिलर मैंने से मैंने सब प्रकार नियम कानून को दली चकटिके तांकर जो थे फायदा हम से कथार लग पड़ ओडिशार चाषी भाई ये अभिजोग सरकार को कान को जाऊँ ना नहीं सरकार ये विषय तो सामना को आसी गणमाध्यम सामना को आसी कि मंडी पड़िया जिला मानक सब डिविजन में सरकार कौन सी कथा रखु ना सरकार आश्वस्त करंतु चाषी मान जे आम समस्त धान उठेबू ये भारतीय जनता पार्टी विनम्रतार सह सरकार को अनुरोध मंडी परिचालन रे अव्यवस्था देखा देखादी सरकार ताकु स्वीकार करछंती मुस्तिमेय बिचारा संपादक मानू कार्य निलंबित करछंती कौन समवाय विभाग अन्य कौनसी उच्च पदाधिकारी एथिरे संपुक्त एथिरे उत्तरदायित्व तो नहीं कि मंडी अव्यवस्था जो होची जो थे मंडी मंडी चाषी को टोकन पाइला तो बस्ता ता घरे पहुँचवा कथा अखा बस्ता पहुँचुनी सुतुली पहुँचुनी चाषीर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पाउनी चाषीर लोडिंग अनलोडिंग पारिश्रमिक से कथा ना ये जाऊँ कौटी की ये कहा पकेट को गरम ये तो चाषी का प्रश्न ना मोदी तो समस्त प्रकार व्यवस्था कर प्रोक्योरमेंट सीजन रे तार एसओपी तैयारी वर्तमान तो केवल ओडिशा जी आज प्रथम थर प्रोक्योरमेंट सीजन चली तो नुहे सरकार ताकु तार समय निर्घंट मध्य निर्धारण करछन्ति कैबिनेट रे अप्रूव हेछि सरकार धान किणि सहायक मूल्य घोषणा हेछि आनुषंगिक खर्च मध्य केन्द्र सरकार ताकु दौछन्ति तो मंडी परिचालन रे एभळी अव्यवस्था करिकि कहाँ पॉकेट को पैसा जाउछि ए मध्य चासी पचारछु मंडी रे कटनी छटनी कहा निर्देश रे होची किए निर्देश दी जो बड़े संपूर्ण पैसा 1868 टंका मोदी दौंस ए कटनी छटनी के किए दौर किए कहार निर्देश है किए तो जड़े कही ना ये किभली रूपे सरकार मंडी दिन दहाड़े से सरकार जो एसओपी अच्छी से ह्यूमिडिटी देख जो थे चाषी तार परिश्रम कर 1868 पाइबाप झड़ा फंका करी ताको क्लीन करके निर्मल भाव बस्तार आणु से कटनी छटनी कौन पे हम किए निर्देश ये निर्देशटा किए देला ता चाषी आज पचार
इतने जो कथा अनेक अभिजोग कर जे मिलर आ सरकार मधुचंद्रिका चली तो प्रमाण करते जानते संबलपुर बीजेपी नेतृत्व में जो चाषी आंदोलन होता से 72 घंटार कंट दि जाइला आज पुणी पांचटा बेले से नेतृत्व माने बसुंच संबलपुर बस आगामी कार्यपंथा निर्धारण करेंगे मु सरकार को निवेदन करुछि जे सरकार स्पष्ट करंतु सरकार स्पष्ट करंतु केते क्विंटल धान किणिबे चासी तो आश्वस्त हबो चासी आश्वस्त हबो नचेत नै पुणी भारतीय जनता पार्टी आज पांचटा बेल को तार राजनीतिक कार्यक्रम घोषणा करिवो आगामी दिन में आंदोलन रूपरेखा कौन हम इ तो भारतीय जनता पार्टी से विषय सचेतन अच्छे तो मोर अनुरोध राज्य सरकार किसी प्रश्नर उत्तर तो दबा पे पड़ो ना ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिप्लाई तो दबो सरकार किभली रूपे राज्यवासी को कौन संदेश दवाप राज्य सरकार चाहते ये पांचपाड़ी सरकार ये पांचपाड़ी सरकार रे निश्चित रूपे राज्यर स्वार्थ चाषीर स्वार्थ कौ भली भावे सुरक्षित अच्छी हाड़ भंगा परिश्रम करी चाषी जितेबले अमल करुची तार एकमात्र संबल से कष्ट पाइबो गोटे कथा आपण मान समस्तंकर मने थिबो कालिया योजना लागू हैला 2 वर्ष प्राय होची कालिया योजना रे मुख्यमंत्री घोषणा करथिले कि मो जीवदशा पर्यंत ए कालिया योजना बंद हम ना बर्तन आम प्रश्न जे कालिया योजना रे केते चासी पाइथिले एवं वर्तमान केते संख्या रे चासी नाममात्र चासी क्षुद्र चासी एवं कृषि श्रमिक ये केते संख्या रे पाउचंती से कथा तो उत्तर देवाप पड़ो पीएम किसान रे प्रथम 38 लाख चाषी फास्ट इंस्टॉलमेंट रे राज्य सरकार चिठा देते ओडिशा 38 लाख चाषी पाई ये 7th इंस्टॉलमेंट गत डिसेंबर 25 तारीख रे केंद्र सरकार प्रदान कले पीएम किसान रे से 9 लाख को आसला केमती आर तो उत्तर दबाप ही पड़ो आपण मैंने समस्ते जानते केत कालिया योजना लागू है कंटीजेंसी फंड रु अर्थ जाइला आज जिते ओडिशा चाषी मैंने कष्ट कांदुचंद मंडी राज्य में कौन कंटीजेंसी फंड ना कि पैसा आम किपर कि ये तो प्रश्न उत्तर दवाप पड़ो आपण मैंने समस्त जानते जो ओडिशा 58 सब डिविजन अच्छी आरएमसी तार 64 मंडी भी अच्छी कालिया योजना पाई जो ओडिशार विभिन्न प्रांतर रे मीटिंग होता जो थे मुख्यमंत्री ओडिशार चाषी मानू अर्थ प्रदान करुले टेक्नोलोजी साहय
ସେ ଆରଏମସିର ଟଙ୍କା ତ ଲୋକ ଆସିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା, ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆସିବା କଥା, କିଛି ଏଥିରେ ମୁଁ ଦ୍ୱିମତ କରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆରଏମସି ପାଖରେ ଯେଉଁ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ହାଟ, କୌଣସି ମଣ୍ଡି ଗୋଟେ ମଡ଼େଲ ମଣ୍ଡି ତ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଇଏ ପାଞ୍ଚ ପାଳିର ସରକାର, ଇଏ ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ପଚାରୁଛୁ ଆପଣ ତ ନିଜେ କହିଥିଲେ, ନିର୍ବାଚନର ଇସ୍ତାହାରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ 35% ଜଳସେଚନ କରିବେ। ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି ସେ ଜଳସେଚନ? 35% ହେଇପାରିଲା? ତ ଇଏ ତ ଚାଷୀର ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା, ତାର ଜମିକୁ ପାଣି କାହିଁକି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, କାହିଁକି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ୍ରେ ଆମେ ଫେଲ୍ କରିଛେ, ଏ କଥା ତ ଉତ୍ତର ତ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଠି ଆମର ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଆପଣ ଘୋଷଣା କଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କରିବେ। ଆଜି ସ୍ଥିତି କ'ଣ? କେତେ କରିଛନ୍ତି? କାହିଁ ହେଇନାହିଁ? ଆଉ ତ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସ୍ଥିତିରେ ତ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଆପଣ ଜଳସେଚନର ସମସ୍ୟା ରହିବ, ପାଣି ଜମିକୁ ପାଇବେନି, ଚାଷୀ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ରାଜ୍ୟରେ ଆଳୁର ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ବେଳେ ଆଳୁ ମିଶନ କରିବେ, ଚାଷୀମାନେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ସେ ବିହନ କିଣିଲେ, ସେ ବିକି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ପେରୁ ଯାଇଥିଲେ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ବୃନ୍ଦ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆସିଲା ଆଳୁ ମିଶନ ପାଇଁ, ସେ କେଉଁଠି କିଭଳି ରୂପେ ହେଲା, ତା'ର ଫଳ ରାଜ୍ୟବାସୀ କେତେ ଦୂର ପାଇଲେ, ଏ କଥା ତ ରାଜ୍ୟବାସୀ ପଚାରିବେ ନା। ପିଆଜ ମିଶନ ବି ଆପଣ କଲେ, ପିଆଜକୁ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଛି, ପିଆଜ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ, ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ, ସବ୍ଡିଭିଜନ୍ଗୁଡ଼ିକରେ, ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ସେ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦେଖାଉଛି। ଆଜି ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ ହେଲା? ଆମେ ଏ ମଣ୍ଡିର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମଣ୍ଡି ଚାଲ ଅଭିଯାନ ଗତ ବର୍ଷ ବି କରିଥିଲା, ଏ କଥା ବି ନେଇଥିଲା। ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତ ଯେତେବେଳେ ମୋର ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ମଣ୍ଡିକୁ ଯାଇଥିଲି। ଗୋଟେ ପ୍ୟାକ୍ସ, ଗୋଟେ ଲ୍ୟାମ୍ପସ, ଗୋଟେ ଆରଏମସିର ମଣ୍ଡି, ତିନି ପ୍ରକାର ମଣ୍ଡି, ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ଗ୍ରୁପକୁ ମୁଁ ଯାଇନି। ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ, ଅକଳ୍ପନୀୟ ସେ ଦୃଶ୍ୟ, ଗୋଡ଼ଭଗାର ଯେଉଁ ଆରଏମସି ମଣ୍ଡି, ଓଡ଼ିଶାର ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ମଣ୍ଡି, ତା'ର ସ୍ଥିତି କ'ଣ? ଚାଷୀ ବସିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ, ଚାଷୀର ସେଠି ପଚାରିଲେ ପରେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ଚାଷୀର ସ୍ଥିତି କ'ଣ। 21 ଦିନ ଧରି ରହିବ ଚାଷୀ, ଟୋକନ୍ ପାଇକି ଚାଷୀ ନେବନି, ଆମେ ଏ ବ୍ୟବହାର କାହିଁକି କରିବା? ଏ ତ ମୌଳିକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆପଣ କୁଚିଣ୍ଡାରେ ରବି ନାୟକ, ନାଉରୀ ନାୟକ, ଦୁଇ ଜଣ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ, ପାର୍ଟିର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ 46 ଘଣ୍ଟା ଏନ୍ଏସ୍ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଚାଷୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ବର୍ଷିଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣିଥରେ ନଜର ପକାଇବା ଯେ ବାଲ୍ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିବା ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ସାର୍ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ସବସେ ପହିଲେ ଶୁରୁ ଆପଣେ କିଆ? ୟେସ୍ ସାର୍। ହଁ, ତ ଅଭି ତୁମେ ବାହାର ଜାନା ହୋତା ହୈ ତୋ ମମ୍ମି ପାପା କୁ ଚିନ୍ତା ନହିଁ ହୋତେ ନା? सर अभी तो सर है ना साथ में, तो सर के साथ जाते हैं। अच्छा अच्छा, आप ओलंपिक तक जाएं, गोल्ड लेकर आए, ये आपके सपने वाकई हिंदुस्तान के हर बच्चे को नए सपने सजने की प्रेरणा देते हैं। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है। स्पोर्ट्स की दुनिया में झारखंड का जो टैलेंट है उस पर पूरे देश को गर्व है, और मैंने तो देखा है कि झारखंड की बेटियां बड़ा कमाल कर देती है जी, कैसे कैसे खेलकूद में अपना नाम बना रही है। छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे शहरों में आप जैसे टैलेंट जब बाहर निकलता है तो दुनिया भर में जाकर देश का नाम रोशन करता है। सविता,
आपको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है, बहुत आगे बढ़िए। थैंक यू सर। अच्छा वैसे साथियों, इस बार राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों में जो विविधता है वो बहुत अच्छी बात है। आर्चरी से अब हम आर्ट की दुनिया में चलेंगे। मणिपुर की बेटी हमारी कुमारी नविश किशम, वो बेहतर पेंटिंग्स बनाने के लिए उसको आज पुरस्कार मिला है। बताइए बेटा मनीष, हम आपसे सुनना चाहते हैं, आप बहुत अच्छी पेंटिंग करती हैं, रंगों में तो वैसे ही बहुत ऊर्जा होती है, और वैसे तो नॉर्थ ईस्ट अपने आप में बड़ा कलरफुल है, उन रंगों को सजा दिया जाए तो ये जीवन भर देने जैसा हो जाता है। मुझे बताया गया है कि आप ज्यादातर एनवायरमेंट पर, पर्यावरण पर, ग्रीनरी पर पेंटिंग बनाती हैं, और यही विषय आपको इतना क्यों आकर्षित करता है? First of all, good afternoon, sir. It's truly an honor to have the opportunity to interact with you. And first, my name is Venice Kisham, and I made paintings based on environment because nowadays our environment is getting dirtier day by day. So there's a lot of pollution, even in Manipur also, a lot of pollution is there. So I want to change it by planting more trees and save our environment, our plants and animals, our rare species. I want to save them. So in order to spread these messages to the people, as an artist, I drew this painting based on this theme. अच्छा, आपके परिवार में भी और कोई है जो पेंटिंग करते हैं? पिताजी, माताजी, भाई, चाचा, कोई? No sir, my father is a businessman and my mom is a homemaker. I'm the only artist. ये तुम्हारे पिताजी है, तुम्हारी माताजी है तुम्हारे साथ? Yeah, yeah. तो ये तो तुम्हें डांटते होंगे कि तुम ये क्या पूरा दिन भर पेंटिंग करते रहती हो, कोई पढ़ती नहीं हो, खाना नहीं पकाती हो, काम नहीं करते हो, ऐसे डांटते होंगे? No, sir. No sir, they supported me a lot. They supported me a lot. Yeah. तो yes, ये sir. बहुत लकी हो आप तो। अच्छा, आपकी उम्र छोटी सी है लेकिन विचार बहुत बड़े हैं जी। अच्छा, पेंटिंग के अलावा आपकी क्या क्या हॉबी है? Sir, I love to sing. I love singing and I love to do gardening also. देखिए, मैं कई बार मणिपुर आया हूँ और वहाँ की प्रकृति मुझे बहुत आकर्षित करती है। मेरा अनुभव भी बहुत रहा है वहाँ, और प्रकृति को लेकर वहाँ के लोगों में जो एक प्रकार की श्रद्धा है प्रकृति की रक्षा के लिए, पूरे नॉर्थ ईस्ट में हर कोई व्यक्ति अपना जान लगा देता है, जो मणिपुर में भी देखा जाता है, और मैं मानता हूँ कि बहुत ऊँचे संस्कार है। अच्छा, आप गाना गाती हो आपने बताया, कुछ सुनाओगी मुझे? Yes sir, I would like I'm not a professional singer but I would love to this is our folk song called Chingdesat Pi Ingele. Chingdesat Pi Ingele China dana kien kiba ho kalak I ho kalak I kalak I de malang bai su kai dau de lai rang na lai khok loi bagi ho kien bani ho kien bani kien. Bahut badhiya, bahut badhiya. Thank you, sir. मैं तुम्हारे माता पिता को भी बधाई देता हूँ, और मैं मानता हूँ कि तुमने संगीत में भी जरूर कुछ करना चाहिए। तुम्हारे आवाज में बहुत दम है। मैं कोई शास्त्र का जानकार नहीं हूँ लेकिन अच्छा लगा सुन करके, बहुत अच्छा लगा। तो तुमने इन सब जगह पे मेहनत करनी चाहिए, मेरी तुमको बहुत बहुत आशीर्वाद है। साथियों, हमारे देश के बच्चे इतने टैलेंट के साथ जिंदगी को जी रहे हैं, उनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। अब देखिए, एक तरफ
बेहतरीन पेंटिंग बनाने वाली बिटिया है तो कर्नाटका के राकेश कृष्ण भी हैं। राकेश को खेती से जुड़े इनोवेशन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। राकेश, आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं जरूर आपसे बात करना चाहूंगा। राकेश, आपका प्रोफाइल जब मैं देख रहा था तो जो मुझे बहुत अच्छा लगा, आप इतनी कम उम्र में ही इनोवेशन कर रहे हैं और वो भी आप हमारे किसानों के लिए सोच रहे हैं। आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो रिसर्च इनोवेशन तो स्वाभाविक ही है, लेकिन किसानों के लिए इनोवेशन करना है। आपण सीधासळख देखुथिले जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भर्चुआल माध्यम रे जो बालक माने देशर कोण अनुकोण रे थिबा बालक माने बाल पुरस्कार रे पुरस्कृत होइछंती, समारंक सहित भर्चुआल मोड रे आलोचना करथिले। समय सरछि अर्गस अपडेट क्विट रखछु। नमस्कार।